तो हमें वो जो जला हुआ कोई आग लगी उसको बुझाना है, तुरंत ही उसके ऊपर नॉर्मल पानी डालना है जिससे वो जला हुआ हिस्सा ठंडा हो जाए और जो जलने की प्रक्रिया है वो रुक जाए। वो 5 से 10 मिनट हमें वो ठंडा नल से आने वाला पानी सारे बर्न एरिया के ऊपर से डालना चाहिए। वो पानी बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, जैसे बर्फ के पानी की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो हमारे टैंक से पानी आ रहा है वो पानी काफी है। तो 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट उसको कंटिन्यूअसली वो जो जितना भी हिस्सा है जला हुआ उसके ऊपर से डालना चाहिए पानी तुरंत ही। उसके बाद में ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को हाइपोथर्मिया ना बैठे, तो अच्छे से ब्लैंकेट्स में कॉटन के कपड़े लपेट के रैप करके उनको तुरंत से तुरंत आप किसी हॉस्पिटल में, स्पेसिफिकली अगर हो पाए तो एक बर्न सर्जन के पास में, प्लास्टिक सर्जन के पास में लेके जाए। बट अगर यदि आपको बर्न सर्जन तुरंत मिलने में दिक्कत हो रही है या फिर आप कहीं दूर में है जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको तुरंत से तुरंत सलाइन लगे। बर्न वुंड्स हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो उसकी इटियोलॉजी किस वजह से वो बर्न हुआ है। ये कपड़े जलने की वजह से हो सकता है, जैसे दिवाली में हम देखते हैं कि काफी कपड़ों में आग लगी, दिया लगा रहे थे कपड़ों में आग लगी, बॉनफायर था, बॉनफायर के साइड में बैठे थे गिर गए तो वो आग में झुलस गए, कपड़ों में आग लगी, तो ये हो गया थर्मल बर्न्स। जो गर्म पानी होता है, खौलता हुआ गर्म उबलता हुआ पानी है या फिर आपने कोई सब्जी बन रही है गर्म दूध है, वो यदि अगर गिर जाता है शरीर पे तो उसे स्काल्ड बर्न कहते हैं। तीसरा केमिकल बर्न, जैसे विट्रियोलाज, आपने सुना होगा कि किसी के चेहरे पे एसिड फेंक दिया जाता है, तो वो बर्न भी एक बर्न, वो केमिकल बर्न है, एक बर्न का ही टाइप है। चौथा टाइप होता है जो हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, उससे यदि कांटेक्ट में आते हैं तो उससे काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी, और उससे काफी ज्यादा जलने का चांस होता है। सबसे भीषण जो चोट होती है वो इलेक्ट्रिकल बर्न में से ही होती है। ये बर्न हमारे डोमेस्टिक सेटिंग में भी हो सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा कम होता है तो इतना बर्न, आग लगने का चांसेस कम होता है, पर ये जो हाई टेंशन वायर्स होती है घरों के ऊपर से जा रही है तो उनमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये चार बेसिकली टाइप्स है बर्न्स के, किस वजह से हुए। बाकी बर्न्स की ग्रेडिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है कि कितनी प्रतिशत चमड़ी जली है उसके हिसाब से। सुपरफिशियल बर्न ग्रेड 1 की ऊपर, जैसे सन बर्न जैसे हो गया कि बस एक झुलस गए हम, जो अनइवेंटफुल तरीके से भर जाएगा 14 दिनों में। दूसरी ग्रेड होती है ग्रेड 2, उसमें पार्शियल थिकनेस या फिर डीप डर्मल बर्न बोलते हैं। इसमें जैसे 100% स्किन में से 40 से 80% स्किन जल जाती है, उसे हम पार्शियल थिकनेस ग्रेड 2 बोलते हैं। ग्रेड 3 मतलब आपका 100% स्किन जल चुकी है और जो अंदर स्किन के नीचे फैट है वो दिखना शुरू हुआ है और कुछ हिस्सों में फैट भी बर्न हो चुका है। और ग्रेड 4 की स्किन, फैट, सब कुछ जल चुका है और जो नीचे की मसल्स है, बोन्स है, जॉइंट्स है, वो सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम बर्न की क्लासिफिकेशन कर सकते। सुपरफिशियल बर्न है जैसे सन बर्न हो गया, धूप में झुलस गए, तो उसमें वो डार्क नहीं होगी और बहुत ज्यादा पेन होगा क्योंकि पूरी स्किन इंटैक्ट है और जितनी स्किन में हमारी नर्व एंडिंग्स है वो अभी काफी सब्सटेंशियल अमाउंट में बची हुई है, तो उसके वजह से उनमें वो ज्यादा पेन सेंस कर पा रहे हैं और हमें बता पा रहे हैं। तो पेन इज अ वेरी, अगर पेन हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है, उसका मतलब स्किन बची हुई है और ये अच्छे से हील हो सकता है। जैसे ग्रेड 2 में आप बोल दीजिए ब्लिस्टर्स बनते हैं, फोड़े बनते हैं, तो उसमें भी पेन होता है, काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेन होता है, पर उसमें भी ब्लिस्टर्स अगर बन रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 जैसे पूरी स्किन जल गई उसमें कभी ब्लिस्टर्स नहीं बनेंगे, वो एक चमड़े की तरह स्किन दिखेगी, वो सफेद या फिर काले कलर की भी हो सकती है। उसके बीच में जैसे वेन्स होती है हमारी वो ब्लू कलर की दिखती है, उसमें कोई ब्लड फ्लो नहीं होता है और उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में कंप्लीटली पेन फ्री होता है और उसका मतलब है कि स्किन पूरी तरीके से जल चुकी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आग बुझाए, ठंडा पानी डाले, उनको हाइपोथर्मिया ना हो इसलिए,
थोड़ा गर्म रखे, गर्म कपड़े या ब्लैंकेट में लपेट के तुरंत हॉस्पिटल ले जाए और सलाइन शुरू की जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इस हिसाब से इनमें ट्रीटमेंट, अब एक बार जब ये स्टेबल हो जाते हैं, यूरिन आना शुरू हो जाती है, ब्लड का जो वॉल्यूम कम हो चुका है, शरीर से काफी पानी की कमी हो जाती है जलने के बाद, तो खून में कमी आ जाती है, तो वो खून का दौरा जो किडनी में जाना था, लीवर में जाना था, वो बंद हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो जान को खतरा है, इसमें से हमने पेशेंट को निकाल दिया, तो उसके बाद ड्रेसिंग्स का ये आता है कि साफ सफाई से उसमें ड्रेसिंग की जाए, जितनी खराब चमड़ी वो निकाली जाए और अच्छे से ड्रेसिंग करके रखे ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो ये फर्स्ट एड सबके लिए कॉमन है। उसके बाद में जैसे पेशेंट स्टेबलाइज हो गया, उनकी कंडीशन क्या है, कोई उनके और कोई मेडिकल कंडीशन है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसके हिसाब से सब कुछ सेटल करने के बाद में, ऑप्टिमाइज करने के बाद में, बर्न वुन जैसे हम एग्जामिन करते हैं, हमें पता चलता है कि कितनी प्रतिशत स्किन जली हुई है, कितनी प्रति कौन से स्टेज में है, ये अपने आप विद रेगुलर ड्रेसिंग्स क्या ये भर सकते हैं या फिर हमें कहीं और से स्किन ग्राफ्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें की तरफ हमारा ध्यान जाता है। जैसे सेकंड ग्रेड तक के हम साफ सफाई करके, उसमें कोलेजन शीट्स आती है जो आर्टिफिशियल स्किन की तरह होती है, वो एक परत जमा देती है, तो जिससे पानी का लॉस होना कम हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, बार बार ड्रेसिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती और वो जल्दी से जल्दी घाव भरने में हेल्प करते हैं। तो स्टेज टू तक के कोलेजन शीट्स हेल्पफुल है। उसके बियॉन्ड स्टेज टू स्टेज थ्री में तो हमें पता है कि पूरी तरीके से चमड़ी जल चुकी है, तो यहाँ पे इतनी चमड़ी आएगी नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं और जगह से चमड़ी लेके वहां पे लगाना। वो काफी चीजों पे डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज बर्न्स है, क्या वो जहाँ से हमें पतली चमड़ी लेनी है, स्किन ग्राफ्ट लेना है, वो डोनर एरिया है या नहीं है, क्या हम अभी बहुत सारी चमड़ी देके पेशेंट को और तकलीफ में तो नहीं डाल रहे, तो ये सारी चीजें देख के हमें वो सर्जरी प्लान करनी। जितनी ज्यादा स्किन जली हुई है, फुल थिकनेस जली हुई है, वहां पे सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरत की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और जितने जल्दी हो उतने जल्दी रिकवरी अच्छी होती है। जितना ये लंबा खींचते जाता है, कई पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमें सर्जरी नहीं करानी, हम अपने आप ड्रेसिंग से कर लेंगे, 3-4 महीने लग जाते हैं घाव भरने में, तब तक के जो शरीर का रिजर्व है वो पूरा खत्म हो जाता है और वो जो हिस्सा जला हुआ था वो हमें नॉर्मल काम करने में भी बड़ी मुश्किल देता है। तो जितने जल्दी हो सकता है इसका इलाज किया जाए तो उतना ही नॉर्मल सी जल्दी आ सकता है और आगे के फ्यूचर के कॉम्प्लिकेशंस हम अवॉइड कर सकते। स्टेज वन सनबर्न जैसा सुपरफिशियल बर्न 14 दिनों में अपने आप भर जाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है, एलोवेरा लगा सकते हैं। स्टेज टू में ऑलमोस्ट 21 डेज में स्किन वापस आ जाती है, प्रोवाइडेड कि रिसक्सीटेशन आईवी फ्लूइड्स अच्छे से गए हो और उसमें इन्फेक्शन ना हो, साफ सफाई से ड्रेसिंग की हो, तो 21 दिनों में घाव भर जाते हैं स्टेज टू में। स्टेज थ्री और स्टेज फोर में हमें कहीं और से लेके चमड़ी लगानी होती है। चमड़ी लगने की प्रक्रिया में 14 दिन लग जाते हैं पूरी तरीके से चमड़ी चिपकने के लिए, जो कलम की जाती है या स्किन ग्राफ्ट किया जाता है उसमें कम से कम 14 दिन तो लगते ही लगते हैं, 14 से 21 दिन। उसके बाद में जो रख रखाव है, जो जहाँ से हमने चमड़ी ली है और जहाँ पे चमड़ी लगाई है वहाँ पे एडिक्वेटली मॉइस्चराइज रखे, मालिश करे, वहाँ पे नारियल का तेल, एलोवेरा, मॉइस्चराइजर लगाते रहे, तो ये प्रोसेस अगले 6 महीने तक के कंटिन्यू करनी होती है, ताकि वहाँ पे कुछ मोटापन ना हो, पोस्ट बर्न हाइपरट्रॉफी ना हो, पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर ना हो। अगर फुल थिकनेस बर्न है जैसे मैंने आपको बताया ग्रेड 3 ग्रेड 4, तो वहां पे ऑब्वियसली चमड़ी आएगी नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, और तो वहां पे पहले तो ये घाव साफ होगा, बॉडी की लॉस होगा, फिर हम चमड़ी लगाएंगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो उसमें तो तुरंत ही जैसे 10 से 20% है बर्न एरिया, फुल थिकनेस है और हमें इनफ जगह है कहीं से हम चमड़ी ले सकते हैं, इसमें इस कंडीशन में हम तुरंत चमड़ी लगानी चाहिए, ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि 30-40% है, हमने उनकी थोड़ा सा रिसक्सेशन कर लिया, 10 दिन हो गए हैं, एक बार वो खतरे से बाहर आ चुके हैं, खाना पीना अच्छे से शुरुआत हो चुकी है, बाकी चीजें कम मैनेजेबल है, जान को खतरा नहीं है, रिसक्सेशन हो गया, तो उस टाइम पे हम थोड़े थोड़े करके
हिस्सों में स्किन लगाना शुरू करते हैं ताकि वो जल्दी जख्म भर जाए। जितने जल्दी जख्म भरेंगे उतने जल्दी कैटाबॉलिज्म बोल दीजिए, हाइपर मेटाबॉलिज्म बोल दीजिए, कि जो बॉडी का रिजर्व मसल मास है वो बर्न होना शुरू होता है। उससे पहले अगर जितनी जल्दी स्किन जख्म बंद होंगे उतने जल्दी ये प्रोसेस बंद होती है, तो लॉन्ग टर्म रिकवरी उतनी जल्दी आती है। तो जितने जल्दी वो ग्राफ्टिंग कर पाए हम उतना अच्छा बेहतर होता है। जितना हम ज्यादा रिकवरी पीरियड में प्रोटीन्स खाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छी हीलिंग होगी। प्रोटीन्स वेज नॉन वेज फॉर्म में ले सकते हैं, पर जितना ज्यादा हम प्रोटीन्स खाएंगे, ये फिजियोलॉजिकली सबसे डिमांडिंग स्टेज होती है जो बर्न होने के बाद में, इसमें सबसे ज्यादा डिमांड बॉडी करती है कि प्रोटीन्स दो। यदि हम प्रोटीन्स नहीं देंगे तो हमारा जो प्रोटीन हमारे मसल्स में है, लीवर में है, वो बॉडी वो यूज करना शुरू कर देती है। तो इसलिए आपने कभी देखा होगा कि जो पर्सन कभी जल गया था और 6 महीने, कई लोगों को देखा होगा कि एकदम पतले हो चुके हैं, वो उनके शरीर का मास ही खत्म हो चुका है। तो बॉडी अपने अंदर का प्रोटीन्स यूज करना शुरू कर देती है। तो रिकवरी पीरियड में बर्न होने के बाद में पहले 6 महीने से, पहले महीने में तो है ही है, पर पहले 6 महीने तक के हाई प्रोटीन डाइट ले तो बहुत फायदेमंद है। दूसरा विटामिन सी और जिंक, ये हेल्प करते हैं जख्म भरने में। तो ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। दो चार चीजें हैं, जैसे एक तो आग लगने के बाद में बुझा देते हैं पर उसके ऊपर पानी नहीं डालते कि निमोनिया हो जाएगा। ये अभी भी हम देखते हैं काफी पेशेंट्स में देखते हैं, हमको रिपीटेडली बताने के बाद भी कि नहीं ये करना चाहिए, तो शायद इसकी अवेयरनेस नहीं है या फिर लोगों को डर लगता है कि इससे कोई और तकलीफ हो जाएगी। बट इससे कोई तकलीफ नहीं होती, कम से कम 5-10 मिनट तो आप पानी डालिए, थोड़ा सा ठंडा कीजिए, आप उनकी मदद कर रहे हैं। दूसरा इसमें जो बर्न वुंड है उसमें हम कोलगेट टूथपेस्ट, हल्दी, चाय पत्ती, ऐसे बहुत सारी चीजें डाल के लेके आते हैं पेशेंट। इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे पेशेंट को नुकसान ज्यादा होता है, उससे इन्फेक्शन ज्यादा होगा, और ये जो भी आपने डाला है इसको निकालने के लिए मुझे ज्यादा हमें ज्यादा समय लगता है। उसमें ज्यादा जो पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया या सिडेशन दिया जाता है वो टाइम बढ़ जाता है। तो प्लीज ये दो चीजें मैं बोलूंगा स्पेसिफिकली कि ये ना करें, मिसकंसेप्शन। तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि काफी पेशेंट्स जलने के बाद में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। काफी हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट कलीग हमें पेशेंट रिफर करते हैं कि सर ये हमारे पास आए थे ढूंढ के, इनको लगा कि चमड़ी का इलाज करते हैं हम, चमड़ी के लीजेंस का तो बर्न का भी शायद यही करते होंगे। बट नहीं, बर्न एक स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी है, डेडिकेटेड स्पेशलिटी है फॉर बर्न पेशेंट। तो प्लीज ऑलवेज आस्क फॉर बर्न सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, जब भी आप इलाज कराएं। और जितने अर्ली पीरियड में आप अगर इन्वॉल्व करते एक बर्न या प्लास्टिक सर्जन को, उतने आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जलने के बाद में सबसे ज्यादा खतरा जान का होता है पहले 72 आवर्स, पहले 1 हफ्ता, उसमें सबसे ज्यादा धोखा होता है। 40% के ऊपर अगर कोई एडल्ट जल रहा है, और बच्चा अगर 1 साल का बच्चा अगर 10% भी जल रहा है, या फिर छोटे बच्चे 20% के ऊपर भी जल रहे हैं, तो उनमें हमेशा जान को धोखा होने का रिस्क हमेशा होता है। तो सबसे ज्यादा पहले आपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है, ये पहली बात हुई। तो ये पहला पड़ाव होता है पहले हफ्ते में, जिसमें जान को खतरा पानी की कमी की वजह से हो सकता है कि शरीर में पानी ही नहीं है, उसके वजह से ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया। दूसरा पड़ाव होता है कि जो दूसरे हफ्ते से, सेकेंड वीक से शुरू होता है इन्फेक्शन। जो जली हुई स्किन है उसमें धीरे धीरे इन्फेक्शन होना शुरू होता है, जो जली हुई स्किन है वो गलनी शुरू होती है, उसमें इन्फेक्शन होगा, जहरवाद जो सेप्सिस बोलते हैं उसमें हो सकता है, उसके वजह से आपके मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, बाकी ऑर्गन्स है जैसे किडनी, लिवर, लंग्स, तो ये सारे शटडाउन होना शुरू होते हैं। तो ये दूसरा पड़ाव है, सेकेंड वीक से सेप्टिक कॉम्प्लिकेशन शुरू से होते हैं। तो लंबे समय के हिसाब से एक बारी जैसे तैसे सिंपल ड्रेसिंग से 3 हफ्ते में जख्म भरे, ग्राफ्टिंग करके 3 हफ्ते में जख्म भरे, या फिर सिर्फ ड्रेसिंग ही करते करते 3-4 महीने में जख्म भरे। इसके बाद में जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे पोस्ट बर्न कॉन्ट्रेक्चर, पोस्ट बर्न हाइपरट्रॉफी, जैसे मोटापन होना, जॉइंट्स एकदम फ्यूज हो जाना, जॉइंट्स की मूवमेंट ना होना, गर्दन चिपक जाना, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये पर्टिकुलर टाइम टाइम के हिसाब से जटिलताएं आती है इसमें से काफी सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग से ही आप बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट। क्योंकि जितनी जल्दी
जितने साफ सफाई से आपकी ड्रेसिंग होगी, जितने जल्दी आपका रिसक्सीटेशन होगा, उतनी बची हुई स्किन रहेगी, उसमें से आपकी नई स्किन आ सकती है, तो आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। यदि सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है तो अच्छी तरीके से सर्जरी हो सकती है, और उसका रख रखाव अच्छे से होगा तो वापस सर्जरी कराने का, रिकॉन्ट्रेक्चर जो बोलते हैं, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन्वॉल्विंग अ प्लास्टिक सर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट फॉर बर्न्स।